नमस्ते किसान, सभी किसान भाइयों को राम राम। मैं विकास किसान एक बार फिर से आपके सामने नया वीडियो लेके आया हूँ। उसमें मैं आपको इस वीडियो में ये जानकारी देना चाहता हूँ कि अभी हमारे किसान भाइयों के कुछ क्वेश्चन रहते हैं कि बारिश में बांस कटने से छूट नहीं आते हैं, गर्मी में कटने से ऐसी प्रॉब्लम है। तो हम भी जब हमारी हर समय कटिंग चल रही है तो हम भी उस कटिंग में रिसर्च पे लगे हैं कि कब काटे तो क्या होता है, कब काटे तो क्या सिचुएशन रहती है। ये अभी हमने कुछ डंडे निकाले थे, आपको पहले भी दिखाए थे। और हमारा जो ऑक्सीजन पार्क जो किसानों के माध्यम से खरीदी कर रहा है, जितने भी किसानों का माल खरीदेगा तो उसके लिए ऑक्सीजन पार्क हमारे लिए अच्छा स्रोत है। जो ऑक्सीजन पार्क के माध्यम से हम अपना माल किसानों को दे के एक्सपोर्ट की लाइन में भी जा रहा है, उनका माल शिपिंग मार्केट में भी बेच रहे हैं, वो उनकी खुद की इंडस्ट्रीज भी है, उनका काम भी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक अच्छा स्रोत साबित होगा, आने वाले भविष्य में भी किसानों के लिए एक स्टैंड हो जाएगा कि माल कौन लेगा, कहाँ बिकेगा। तो ऑक्सीजन पार्क खड़ा है हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारा माल बाहर भी भेज रहे हैं और यहाँ पर भी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम जो रिसर्च कर रहे हैं कि जैसे हमने बारिश में काटा था माल, पहले गर्मी में भी काटा, ठंड में भी काटा, तो अभी हम आपको बारिश का दिखाते हैं। अभी हमने 12 तारीख से कटिंग चालू की थी, उसके बाद हम आज 16 से 17 दिन हो गए हैं। ये जो बांस की हाइट देख रहे हैं आप, ये 5 फीट का है करीबन, लेकिन हमने जिस दिन कटिंग चालू की थी उस दिन ये 1 से 1.5 फीट का था। तो इसकी हाइट दिन पर दिन बढ़ रही है, ये तो आप देख ही रहे हो, इसकी हाइट से पता चलता है। अब ये जो पेड़ है इसमें से हमने 7 से 8 बांस निकाले हैं, काट लिए। ये देख लीजिए, ये कटिंग आपको दिखेगी। कटने के बाद भी हमने इसमें देखा है कि इसमें जो शूट निकल रहे हैं नए, दिखाना चाहूँगा आप, ये देखिए 2 और एक ये 3 और ये 3 यहाँ पे हो गए, एक ये हो गया 4, एक 5 और एक ये सबसे बड़ा 6 और एक हम आगे आए तो 7। मतलब इसमें से 7 बार कटने के बाद फिर भी एक आप देखिए इसमें से नीचे ये शूट निकल रहा, देखो तो। हमारे किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि बारिश में कटिंग होने से हमारा पेड़ सूख जाता है, लेकिन ये पेड़ देखो पूरा हरा है। इसमें अभी हमने 2-2 बांस छोड़ दिए, उसके बाद भी ये हरा है और उसमें शूट निकल रहे हैं। मैं आपको और दूसरा पौधा भी दिखाता हूँ, इसके पास वाला दिखाता हूँ, इसमें भी 5 शूट आए हुए हैं, इसमें से कटिंग हुई है। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कटिंग हुई है, 2 रखे हैं हमने, ये भी बिल्कुल हरे हैं। और इसमें आप देखोगे तो नए शूटों की मात्रा है, ये 1, 2, 3 और इसमें से एक निकला 4 और इस साइड आएंगे तो ये 5। तो हम भी जैसे बारिश में माल काट रहे हैं तो हर मौसम का अपने को पता चले, इसलिए हम भी ये प्रयास कर रहे हैं कि इसमें जैसे अभी हमने बारिश के मौसम में इस माल को काटा, फिर भी ये हरा है, हरा होने के बाद इसमें शूट भी निकल रहे हैं। तो हम ऐसे ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ अपने को मिले तो हम भी किसानों को दिखाएं कि ये चीज़ इस टाइप से है। तो मेरा यही किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो ऑक्सीजन पार्क सामने आया है अपने माल के लिए, तो कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य यह है कि किसानों को दुगनी इनकम तक ले जाना, आगे बढ़ाना, और उनका प्रयास जो चल रहा है वो बहुत ही अच्छा है। तो हम उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं
कि इस माध्यम से आज किसानों के लिए कोई खड़ा हुआ है। और मैं आपको कोई भी जानकारी होगी तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाऊंगा, जैसे अगली मेरी कटिंग जब भी होगी तो उसके भी क्या रिज़ल्ट हैं, सूट कैसे आए हैं, क्या प्रोसेस है, मैं आपको दिखाऊंगा। धन्यवाद।